तो हेलो दोस्तों, आ चुके हैं हम फिर से एक न्यू वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम इस फोटो को एडिट करने वाले हैं और इसे हमने इनपुट कर लिया लाइट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले चलते हैं हम लाइट वाले ऑप्शन पे। तो लाइट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में हम इस फोटो के हिसाब से मतलब एक्सपोजर को हम फिट करेंगे इस फोटो के हिसाब से। तो आई थिंक मेरे हिसाब से एक्सपोजर इस फोटो के हिसाब से +20 के आसपास होगा। और कंट्रास्ट को हम बढ़ा देंगे प्लस की तरफ, एंड हाइलाइट्स को हम माइनस की तरफ रखेंगे, एंड वाइटनेस को भी हम माइनस की तरफ रखेंगे, और ब्लैकेट्स को भी हम माइनस की तरफ रखेंगे। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट ऑप्शन कलर्स वाले ऑप्शन के ऊपर, एंड वाइब्रेंट को हम कर लेंगे प्लस की तरफ, एंड टेम्परेचर को कर लेंगे हम माइनस की तरफ। उसके बाद में जाएंगे हम मिक्सर की तरफ। तो मिक्सर के अंदर जाने के बाद में हम जाएंगे पिंक कलर की तरफ, और पिंक कलर को हम अपने फ़ोटो के हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि इस फोटो पे कैसा फिट बैठता है। तो इसकी तीनों लाइनों को हम एडजस्ट करके देखेंगे, मुझे ये सही लग रही है। एंड उसके बाद जाएंगे हम ऑरेंज कलर की तरफ, ऑरेंज कलर का हम लुमिनेंस बढ़ाएंगे। तो ऑरेंज कलर का लुमिनेंस बढ़ा के आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी, एंड ब्राइट स्किन हो जाएगी तो आपको गोरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड उसके बाद चलेंगे हम येलो टोन की तरफ, और येलो टोन का हम थोड़ा सा सेचुरेशन कम करके देखेंगे। एंड उसके बाद डायरेक्ट हम चलेंगे ब्लू कलर की तरफ। तो ब्लू कलर में आपको अपनी फोटो के हिसाब से रखना है। मैं अपनी फोटो के हिसाब से जहाँ जहाँ पर मेरे को डार्क चाहिए, जहाँ पर मेरे को लाइट चाहिए, मैं उस हिसाब से अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। आपको भी अपनी फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है जैसे आपकी फोटो में आपको चाहिए हो टोन। उसके बाद में हम ब्लू कलर के पास में जो कलर है उसको देखेंगे, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि अपने फोटो पर बेहतर से बेहतर बैठे। तो जैसे ही कलर फिक्स हो जाएगा उसके बाद में हम इसको कर देंगे डन। एंड डन करने के बाद में हम चलेंगे ग्रेडिंग वाले ऑप्शन। तो ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में आपको जाना है अपने हाइलाइट्स पे, और हाइलाइट्स पे जाने के बाद में वो आपको टोन चूज करने के लिए बोलेगा कि आपको अपने फोटो पे कौन सा टोन चाहिए। तो आपको अपने फोटो के हिसाब से टोन ले लेना है। मैं इसको ब्लू एंड टील ऑरेंज कलर का टोन देने की कोशिश करूंगा। एंड आपको अपने फोटो पे जो टोन चाहिए या जो आपको अच्छा लगता है, जो परफेक्ट बैठे, आपको उस हिसाब से अपने फोटो पे टोन देना है। एंड उसके बाद में आपको जाना है शेडो वाले ऑप्शन पे, और शेडो वाले ऑप्शन पे भी आपको सेम अप्लाई करना है। आपको तीनों चीज़ें चेक करनी है, आपको कौन सा कलर चाहिए, कौन सा टोन चाहिए। मेरे फोटो के बैकग्राउंड में मिरर है तो मैं इस पर ब्लू टोन रखूँगा, क्योंकि ब्लू टोन इस पर परफेक्ट बैठेगी। एंड आपको ये सेम चीज़ अप्लाई करनी है। और अगर आप चाहते हैं ग्रेडिंग वाले ऑप्शन के बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियो दूँ, तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूँगा, मेरे को कमेंट बॉक्स में बता। एंड उसके बाद में मैं अपने फोटो के हिसाब से एक टोन अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, एंड बढ़िया से टोन एक अप्लाई करता हूँ अपने फोटो पे। एंड आप भी अपने दो तीन फोटोज़ पे ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे जाके एंड टोन अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे भी बने आप फोटो को अप्लाई करिए, क्योंकि धीरे धीरे आप भी वैसे ही सीखेंगे। जैसे जैसे आप अप्लाई करते रहेंगे अपने दो तीन फोटो को बिगाड़ेंगे, उसके बाद में एक फ़ोटो सही भी बनेगी। तो आप भी ऐसे अप्लाई करते रहिए और मैं आपको बता दूँ। एंड आपको मेरे से कुछ चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई दे दूंगा, मैं सारे कमेंट करता हूँ। एंड इसके बाद में मेरे को ये थोड़ी फ़ोटो बड़ी लग रही है, तो मैं इसको थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ अपने हिसाब से। एंड इसको मैं क्रॉप कर देता हूँ, फिर क्रॉप करने के बाद में इसके आगे की एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ। तो क्रॉप करने के बाद में हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे, हम चलते हैं इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर। एंड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में हम इसका क्लियरिटी को, इस फोटो की क्लियरिटी को थोड़ा बढ़ाते हैं। एंड क्लियरिटी बढ़ाने के बाद में हम इसका वीनेट करेंगे कम। तो विनेट को कम करने के बाद में आपको नीचे फेदर का ऑप्शन दिखाई देगा, फेदर को हम थोड़ा अप करेंगे एंड विनेट को थोड़ा कम करेंगे, तो इससे थोड़ा डार्क टोन हो जाएगा, एजेस थोड़ी इसकी डार्क हो जाएगी। तो ऐसे करके हम एक टोन देने की कोशिश करेंगे डार्क। तो विनेट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में हमें शार्पनेस को फुल कर लेना है। हमें शार्पनेस को फुल करने के बाद में नीचे मास्किंग वाले ऑप्शन पे जाके डबल टैप करके वहां वहां पे हमको मार्क कर लेना है जहां जहां पे हमको शार्पनेस चाहिए। तो इसके बाद आप देख सकते हैं एडिटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, एंड मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा दे रहा हूँ। तो बिफोर एंड आफ्टर है, एंड इसके बाद वॉइस की थोड़ी दिक्कत होगी तो वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना, एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाना। तो धन्यवाद।